हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। आज से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है क्लास 11th के फिजिक्स की। इसमें आपको लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली मिलेगी, वे शाम के 7 बजे। तो जो बच्चे शुरू में नहीं पढ़ पाए थे किसी रीजन से, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे जेई जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी बच्चे आकर के इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। आपके लाइव क्लासेस डेली शाम 7 बजे से स्टार्ट होंगी और वो मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सैटरडे और संडे बंद रहेगा क्लासेस। ओके, तो शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा, तो या लिंक का इस डिस्क्रिप्शन शेड्यूल का नीचे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें बेसिकली सबसे खास बात ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे नीट या जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकेडमिक के लिए भी यूजफुल है। ओके, तो देखते हैं जो इसमें सबसे जो पहली यूनिट है क्लास 11th के फिजिक्स की, वो यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। इस यूनिट में जो पहली टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज डायमेंशन, मतलब समझते हैं डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। तो डायमेंशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विमा, क्या कहते हैं विमा। जो डायमेंशन का अर्थ होता है घात से, डायमेंशन का अर्थ किससे होता है, पावर। डायमेंशन का अर्थ होता है घात से, घात या इसको हम लोग बोलते हैं पावर से। ओके, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, या डायमेंशन वो पावर्स होती हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसके ऊपर चढ़ा करके लिखी जाती है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो विमा ऐसी घाते होती हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ा करके लिखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मान लो एक क्वांटिटी है, उसका नाम है एल स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर, तो देखो या ऐसे समझो मीटर स्क्वायर, एक क्वांटिटी है या एक संख्या से लिखी कुछ लिखा गया मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर में जो ये मीटर है ये भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है, लंबाई को, और ये जो स्क्वायर है यही इसकी घात है, यही इसकी किसको दिखा रहा है, विमा। इसकी बीमा कितनी हुई, 2। बीमा का मतलब ये घात होता है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाकर जो संख्या लिखी जाती है, घात के रूप में जो संख्या लिखी जाती है वही बीमा है। एक चीज दिमाग में बैठा लो, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स पावर। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मीन्स पावर। डायमेंशन क्यों लिखी जाती है, ताकि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए मीटर एक यूनिट है, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। ओके, मीटर के ऊपर हमें डायमेंशन लगा दी 2, तो मीटर की अगर घात 2 हो गई, अब ये लेंथ को ने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, एरिया को। तो अब ये बता रहा है क्षेत्रफल, जैसे हमने लिख दिया मीटर और उसकी घात 3 लिख दिया, अब पावर 3 हो गई, तो देखो डायमेंशन फिर से चेंज हो गई। अब ये नई क्वांटिटी बता रहा है मीटर क्यूब, आयतन को बता रहा है, किसको, वॉल्यूम को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डायमेंशन वो पावर्स होती हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। बात आ रही समझ में, तो दिमाग में क्या रखना है, डायमेंशन मीन्स पावर, डायमेंशन मीन्स पावर। ओके, तो ये होती है बच्चों डायमेंशन। एक भाषा में, एक शब्द में अगर हम, या एक सेंटेंस में अगर हम कहें, फिर डायमेंशन मीन्स पावर। अगर हम इसके डेफिनेशन लिखना चाहें व्हाट इज डायमेंशन, तो बच्चों ज़्यादातर लैंग्वेज मेरी हिंदी ही रहेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी, तो इंग्लिश जिसको खा सकते हैं ऐसे लैंग्वेज से क्लासेस चलेंगी। तो डायमेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, विमा वे घाते होती हैं
जिन्हें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाकर लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ओके, तो ये डायमेंशन होता है। देखो, डायमेंशन को लिखने का तरीका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? दूसरी टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों देखो, डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो सभी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स सम्मिलित हैं, कौन कौन सी मूल राशियां सम्मिलित हैं और वो मूल राशियां कितनी कितनी बार सम्मिलित हैं, ये सभी की इन्फॉर्मेशन देता है। एक बार फिर से सुनो, जैसे हमने एक कोई क्वांटिटी लिया, जैसे हमने कहा बल, बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखो, किलोग्राम मास अलग यूनिट है, मीटर ये अलग फंडामेंटल यूनिट है, अलग मूल राशि है, सेकेंड अलग है, तो तीन चीजें शामिल हैं, तो कितनी कितनी बार शामिल हैं, बात आ रही समझ में? इन्हीं सब को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं घात के रूप में, तो ये सभी जो घातों का एक संग्रह हमको मिलता है, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। तो इसको हम लोग बीम सूत्र कहते हैं। बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर ना लेते हुए एकदम तरीका सीखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ओके, तो सीधे आते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा यानी कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखना है हमको। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाएंगे तो डायमेंशनल फार्मूला वगैरह बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, ये सब डेफिनेशन वगैरह ये सब खाली समझने में ही या सीखने के लिए ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे उस तरीके को ध्यान से समझो। बीमी सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बीमी सूत्र कैसे लिखा जाता है बच्चों? डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका ध्यान से समझिए। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको लिखना है तो इसके लिए आपको कुछ मूल मात्रक, उनके विमीय संकेत आपको पता होने चाहिए। अब कुछ मूल मात्रकों में, जैसे एक तरफ मैं लिख दूं मूल मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनके विमीय संकेत डायमेंशनल सिंबल कौन कौन से हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डायमेंशनल सिंबल। इसमें अगर हम देखें तो मूल मात्रक में सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं, लेंथ। अगर लंबाई है वो किसी भी सिस्टम में उसकी यूनिट हो, अगर मूल मात्रक या मूल राशि, इसको कहें मात्रा की जगह राशि बोलते हैं तो ज्यादा बेटर है, फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लो अगर लंबाई है तो लंबाई किसी भी यूनिट में हो, लंबाई किसी भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, किसी भी यूनिट में हो, प्रकाश वर्ष, ये सब किसी भी यूनिट में हो। अब लंबाई अगर किसी भी यूनिट हो तो उसका हमको सिंबल, अगर लंबाई आ गया तो लंबाई का विमीय संकेत यल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यल, सब कैपिटल लेटर में रहे। ओके, इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? यल। इसी तरीके से द्रव्यमान आ गया मास, यानी किसी भी सिस्टम में हो, इसका डायमेंशनल सिंबल होता है एम। क्या होता है? एम। तो मास का डायमेंशनल सिंबल एम। फिर इसके बाद समय है, समय का डायमेंशनल सिंबल होता है टी। इसके बाद अगर ताप है, टेम्परेचर, तो ताप को हम लोग दिखाते हैं थीटा से।
अगर मान लीजिए विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा को हम लोग दिखाते हैं ए से। इसको किसे दिखाएंगे? ए से। ये तो ये इसके डायमेंशनल सिंबल हुए। डायमेंशनल सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। डायमेंशनल सिंबल जब तक आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छे से ट्यूशंस को समझ नहीं पाएंगे। डायमेंशनल सिंबल याद रखो, लंबाई को एल से दिखाते हैं, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, ताप को थीटा से, और विद्युत धारा को ए से। और भी दो भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियां हैं, जैसे एक होता है ज्योति तीव्रता और एक होता है पदार्थ की आणविक मात्रा। उसका यूज बहुत रेयरली या नहीं मिलता है जल्दी, इसलिए उसको नहीं, हमको बेसिक चीज ये है, इसको हमको सीखना है। ओके, तो ये डायमेंशनल सिंबल खूब अच्छे से देखिए। जो जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं, वो बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, खूब अच्छे सिस्टम से सारी चीजें लिखते चलेंगे, ठीक है? वीडियो को पास करके इसको लिखते चलेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे बाद में, क्योंकि लाइव क्लास है, पास कहाँ करेंगे उसको। आप सीधे सीधे चीज है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते रहिए, फिर इसका नोट्स बनाते रहेंगे। ओके, तो ये डायमेंशनल सिंबल है। विमीय सूत्र लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए उस भौतिक राशि का सूत्र, जिसको हम भौतिक सूत्र या फिजिकल फार्मूला बोलते हैं। भौतिक सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र अगर पता है, सूत्र को हम लोग मात्रक, जब सूत्र पता है सूत्र से मात्रक लिखेंगे, और जो मात्रक लिखेंगे वो मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए, मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए। अगर ये है, फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे विमीय संकेत। ये डायमेंशनल सिंबल, जब विमीय संकेत लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसी को सरल कर लेंगे, सरलीकरण, सरल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका होगा। एक बार फिर से सुनिए, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या चीज है? भौतिक सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए फिजिकल फार्मूला पता होना चाहिए। फिर उसका मात्रक लिखो, मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में लिखो अगर नहीं है तो, अगर मात्रक मूल मात्रकों के पदों में नहीं, मूल मात्रकों के पदों में लिखो। फिर इसके बाद विमीय संकेत लिखो, विमीय संकेत मिल गया तो उसका सरलीकरण करो, सरलीकरण हो गया तो उसको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर दो। जब इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जब बड़े कोष्ठक में बंद कर ले जाएंगे, तो वही चीज हो जाएगा उस भौतिक राशि का, क्या? विमीय सूत्र। ओके, तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अब आते हैं, सीखते हैं कैसे विमीय सूत्र लिखा जाता है। इस संकेत को याद रखना है माइंड में, फिर इसके बाद तब फिर हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर कोने में बना देता हूँ इसके डायमेंशनल सिंबल कौन कौन से हैं। जैसे मास है, तो मास को किससे दिखाते हैं? यम से। अगर लेंथ है, लंबाई है, तो उसको किससे दिखाते हैं? यम से। अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाते हैं? ए से। तो ये हो गया। अगर टाइम है, तो टाइम किससे दिखाएंगे? टी से। अगर मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, तो उसको किससे दिखाएंगे? थीटा से। ये तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इस तरीके से इनका सिंबल रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि बताओ बल का विमीय सूत्र क्या होगा, बल की विमा, तो फोर्स की डायमेंशन कैसे लिखना है। तो बल की विमा हमसे पूछा गया, तो फोर्स की डायमेंशन कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले बल का भौतिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला एफ बराबर एम ए आपको पता है। अगर आपको सीधे मात्रक पता है, तो सीधे मात्रक लिखेंगे। अगर नहीं पता है, तो ये पूरे स्टेप को फॉलो करना है। तो आप मात्रक आपको मान लीजिए पता है, सीधे सीधे न्यूटन, या न्यूटन से और ज्यादा सरल पता है, जितना सिंपल वे में हम लिख सकते। देखो, अगर आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता, सीधे न्यूटन लिखो, भौतिक सूत्र वाला स्टेप हटा देंगे।
अगर वो मात्रक आपको मूल मात्रक के पदों में पता है तो इसको भी हटा देंगे, सीधे मूल मात्रक के पदों में लिखेंगे। जितना चीज आपको पता है उसको आप स्किप करते चले जाएंगे। मैं यहाँ सिस्टम से बता रहा हूँ, बल का फार्मूला ये है, यहाँ से इसका मात्रक लिखेंगे और वो भी मूल मात्रकों के पदों में होना चाहिए। मात्रक लिखोगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ओके, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से विमीय सूत्र लिखते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इक्वल्स किलोग्राम द्रव्यमान है और मास को किससे दिखाते हैं, यम से, तो यहाँ पे लिख देंगे यम। बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते जाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे यम। फिर ये हो गया, अब मीटर लंबाई है, मीटर क्या है, लंबाई, लंबाई को किससे दिखाते हैं, यल से, लेंथ को किससे दिखाते हैं, यल से, तो मीटर के स्थान पर यल लिखो। और प्रति का मतलब बटे, सेकेंड समय की यूनिट है, तो ये समय है, समय को किसे दिखाते हैं, टाइम को, टी से, तो टी लिखो। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो यम यल टी को ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर माइनस टू। ये हो गया बल का विमीय सूत्र, तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इक्वल्स यम यल टी की पावर माइनस टू। तरीका आया समझ में, तो इस तरीके से आपको विमीय सूत्र लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इक्वल्स यम यल टी की पावर माइनस टू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है विमीय सूत्र चाल का, आपसे कहा गया बताओ चाल की विमा क्या होगी, तो चाल की विमा कैसे लिखेंगे, तो चाल की विमा लिखने के लिए पहले चाल का सूत्र लिखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल का विमीय सूत्र इसका मात्र लिखो, दूरी का मात्र मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर लंबाई है, लंबाई को किसे दिखाते हैं, यल से, सेकंड समय है इसको किसे दिखाते हैं, टी से, इसको ऊपर ले जाओ तो एल टी की पावर माइनस वन। तो ये हो जाएगा चाल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी इक्वल्स एल टी की पावर माइनस वन। बात आ रही समझ में, कितना आसान है, बस ऐसे ही आपको लिखना है ये विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र आपको इसी ढंग से लिखना है, क्लियर हो रहा है। ओके, अब और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, अगर आपको जिस क्वांटिटी का विमीय सूत्र पता होगा उसमें बार बार मूल मात्रकों के पदों में लिखने की जरूरत नहीं, आप उसका सीधे सीधे मान लिख सकते हैं। आता है समझ में, सीधे सीधे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बल की विमा क्या होती है, यम एल टी की पावर माइनस टू, यम एल टी की पावर माइनस टू, ये बल की बीमा होती है। अगर आपसे कहा गया कार्य का बीमा, कार्य की बीमा लिखो, कार्य की बीमा, तो कार्य की बीमा, कार्य का सूत्र W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे, तो बल की बीमा हमको पता है, तो बल की बीमा सीधे लिख देंगे, कितना, यम एल टी की पावर माइनस टू। अब यस क्या है, विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब यल, तो इसको यल से लिखा, तो यल से गुणा कर दो। अब यल का यल में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बस क्लियर हो गया, ऐसे सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से कार्य की बीमा हो गई, तो ये कार्य की बीमा निकालेंगे। आपसे कहा गया बताओ गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, इसकी बीमा आपको बताना है। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा निकालने के लिए आप वही फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है, तो एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। ये हो गया, अब यहाँ से आपको जी की वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू निकालो, तो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जी की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से जी बराबर निकालो, इसका इधर गुणा करो, तो जी बराबर कितना मिलेगा, एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू, वैल्यू पुट अप कर दो डायमेंशन फार्मूले में, जी बराबर बल का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर माइनस टू ना होता है। ओके, अब देखो आर क्या है, दूरी, दूरी में लंबाई, लंबाई में एल, एल से दिखाओ और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बटे, बटे में कर दो। अब देखो यम वन को किसे दिखाता है, यम वन क्या है, मास, मास को किसे दिखाना है, यम से, यम टू भी क्या है, मास, इसको भी किसे दिखाना है, यम से, तो यहाँ यम से एक ठे यम कट गया, कितना बचेगा, इस यम को ऊपर ले जाओ, यम की पावर माइनस वन,
एल स्क्वायर का एल में गुणा कर देंगे तो एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, ये हो जाएगा कैपिटल जी का डायमेंशन। तो कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन लिख लेंगे। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चा लोग, कमेंट में बताओ। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एक डायमेंशन फार्मूला ऐसे तुरंत कमेंट में लिख करके बताओ क्या होगा। ओके बिटार दें, गुड। आपको बताना है प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, प्लांक्स कांस्टेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को हम एच से दिखाते हैं। इसका विमीय सूत्र निकालना, इसका विमीय सूत्र ऐसे निकालेंगे, चूंकि एनर्जी बराबर होता है एच न्यू, जहां पे न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है प्रति सेकेंड, पर सेकेंड, या इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। इसी में से एच का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। ओके ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से, जिसको आ रहा हो बताए। अच्छा एक चीज इसमें याद रखेंगे सब लोग, हमेशा हमेशा याद रखना क्या चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए क्या याद रखना है, कार्य का विमीय सूत्र हो ऊर्जा का विमीय सूत्र हो दोनों एक का होता है। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कौनो ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति, सभी ऊर्जा का विमीय सूत्र और कार्य का विमीय सूत्र एक होता है। तो दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कार्य का सूत्र बराबर ऊर्जा का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र बराबर ऊर्जा का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र बराबर ऊर्जा का विमीय सूत्र, बस ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए। ठीक है तो याद रखेंगे कार्य का डायमेंशनल फार्मूला बराबर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, दोनों याद होना चाहिए, हमेशा माइंड ऑन में रखना है। दिस थिंग इज ऑलवेज टू बी इन योर माइंड, तो ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं मिलान कर लेंगे सही है कि नहीं है। ओके यहां से देखते हैं, सबसे पहले हमको एच का विमीय सूत्र निकालना है, एच बराबर इसको इधर लेके आओ ई अपान में बी। ओके अब एच बराबर ई, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। कार्य का विमीय सूत्र बराबर ऊर्जा का विमीय सूत्र, तो कितना होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अभी हमने शुरू में निकलवाया भी था भाई, याद रखो जो चीज बता दी है वो दिमाग में आना भी चाहिए, इसीलिए तभी तो आएगा, जब तक उसके याद नहीं करेंगे कहाँ से आएगा है? तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कितना होगा, तो ई बराबर एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपान न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब एक बटे सेकंड, सेकंड को किसे दिखाते हैं टी से, क्योंकि समय एक बटे टी, ये टी ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू था ही, ये ऊपर चला जाएगा इंटू टी, तो यहाँ टी की घात प्लस घाते घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ओके तो विमीय सूत्र क्या होता है प्लांक नियतांक का, तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। क्लियर हो गया। ओके अब लेते हैं विमीय सूत्र एक दूसरे टर्म का। देखो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, एकदम बेसिक सी, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रटी होनी चाहिए, अगर वो हमेशा याद है तो फिर सवाल आपके लिए एकदम हलवा है। देखो कौन कौन सी, देखो पहला तो फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन हमेशा रटा होना चाहिए एम एल टी की पावर माइनस टू होता है। दूसरा वर्क का, और वर्क को ही हम लोग एनर्जी भी डायमेंशन दोनों का सेम होता है, इसका रटा होना चाहिए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, इसका रटा होना चाहिए। तीसरा स्पीड या वेलोसिटी का, इसका आपको हमेशा रटा होना चाहिए, ये होता है एल टी की पावर माइनस वन,
ये है, इसको पता होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज होता है बच्चों, देखो चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I बराबर Q बटे T होता है, तो यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो I इंटू टी, तो Q बराबर I विद्युत धारा, इसको किसे दिखाएंगे A से, और T टाइम है, इसको किसे दिखाएंगे कैपिटल T से, तो कितना हो जाएगा ए टी, कितना हो जाएगा ए टी। तो याद रखते हैं, अच्छा प्लांक कांस्टेंट भी इम्पोर्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट ये भी बहुत यूज में मिलेगा। तो प्लांक कांस्टेंट जो अभी हमने बताया कितना होता है एम एल की पावर एल की पावर टू टी की पावर माइनस वन। ये तो ये दो चीज दो ये मतलब कुछ चीजें ऐसी जो आपको माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अगर ये कुछ चीजें आपको याद है तो फिर दो सवाल आपके लिए वाला क्या करना है एकदम ऐसे आसानी से लगाएंगे। आपको इतनी सी चीजें तो याद होना चाहिए। पहली चीज, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का, तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी होती हैं लेकिन कुछ हमने बताया जो हमेशा एकदम दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। कोई मुझे नहीं बताया ऐसे चुटकियों में, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग सीखते हैं जो थोड़ी अच्छी अच्छी है। जैसे आपसे बोल दिया गया, बताओ निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र क्या होगा। याद रखो निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, किससे एप्सिलॉन नॉट से। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना हुआ तो आपको याद होना चाहिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो कूलाम के नियम से कैलकुलेट करते हैं, बराबर 1/4 πε0 ∗ Q1 Q2 r2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा 1/4 πf ∗ Q1 Q2 r2। ओके, इतना हो गया। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र लिखेंगे। अब देखो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो नियत संख्याएं होती है, जैसे गिनती वाले अक्षर जो नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 1/8, 1/2, 1/4, ऐसी सब गिनती वाले अक्षर, या इनके साथ पाई भी आया, पाई का मान लीजिए 2/7 भी गिनती है, तो ये सभी अक्षर का बीमी सूत्र नहीं होता, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। इसके बीमी सूत्र लिखते समय इनको छोड़ देते हैं, इनको वहीं हटा देंगे, भैया तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई यूज नहीं है, इनको पहले में हटा देंगे। ओके, ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज ये है, ऐसी संख्याओं का बीमी सूत्र नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं का बीमी सूत्र नहीं लिखा जा सकता जिन संख्याओं में मात्रक नहीं मिलते। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा दिया विकृति, बताओ विकृति का बीमी सूत्र, तो विकृति होता है लंबाई से दैर्ध्य विकृति, विकृति भी कई तरीके की होती है, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक, आकार मानो पहले लेंथ था उसके बाद तो लंबाई प्रारंभिक लंबाई बटे, या लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो यहाँ भी लंबाई तो लंबाई का मात्रक मीटर, ये भी मीटर, मीटर से मीटर मर गया, कोई मात्रक बचा ही नहीं। जब मात्रक नहीं मिला तो बीमी सूत्र नहीं लिखा जा सकता। इस पर देखो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो ये अगर संख्या एक मात्रकहीन है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस होगी 100% श्योर। क्या बताया गया, अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वह हमेशा डायमेंशनलेस ही होगी, लेकिन अगर संख्या डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं कि वह यूनिटलेस हो। अब आप कहेंगे सर जी आप तो अपनी बात से पलट रहे हैं, ऐसे कैसे। देखो हमने क्या कहा, देखो अगर मात्रक होगा तो ना बीमी सूत्र लिख पाएंगे भाई, मात्रक है ये नहीं है बीमी सूत्र क्या लिखेंगे, क्योंकि मात्रक में अगर लंबाई आएगा ये सब आएगा, लंबाई आ गया उसको एल से दिखाएंगे, समय आ गया टी से दिखाएंगे, तो वो चीज आना चाहिए तब, मात्रक है ये नहीं है तो बीमी सूत्र कहाँ लिखोगे। तो वही चीज कहा गया, अगर संख्या में मात्रक नहीं है तो बीमी सूत्र नहीं लिखा जा सकता। पता गई समझ में, पहली चीज संख्या में मात्रक नहीं है तो बीमी सूत्र नहीं लिखा जा सकता। दूसरी चीज अगर संख्या मात्रक सॉरी बीमाहीन है,
मतलब उसका बीमी सूत्र नहीं लिखा जा रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह संख्या मात्रकहीन ही हो। हाँ, ऐसा होता है कि जिसका बीमी सूत्र नहीं लिखा जाता वो मात्रकहीन हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कोण, एक चीज देखो, कोण एंगल, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, प्लेन एंगल की उसकी यूनिट होती है रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अब देखो, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन यूनिट लेस नहीं है। पता कि समझ में, एंगल कोण और कोण का मात्रक, ऐसे कोण का फार्मूला लिखो, ऐसे भी मिस हो, देखो कोण है, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ओके। आर्क लंबाई होता है, इसका मात्रक मीटर, रेडियस भी मीटर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मात्रक तो मिलता नहीं, मात्रक नहीं मिलता ऐसे है। लेकिन इसको समझ देखो, एक तो डायमेंशन फार्मूला इसके लिख नहीं पाए क्योंकि ये तो कोई उस तरीके से मात्रक नहीं मिलता, लेकिन तो पूरक मात्रक बनाया गया एसआई क्वांटिटी में, एसआई सिस्टम में दो पूरक मात्रक बनाया गया, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो एंगल अगर कहीं पे आ जाएगा तो उसका मात्रक रेडियन होता है। अब ये माना गया मात्रक है, मानक बनाया गया है, उस मात्रक तो नहीं मिलना चाहिए, बना दिया गया, पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो जानते रहो, अगर ये तो डायमेंशन फार्मूला तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसका मात्रक है तो वही चीज है। ओवरऑल इतना खींच खींच के बताने से अच्छा है एकदम सिंपल भाषा में, ऐसी संख्याएं जो मात्रकहीन है बीमीय सूत्र नहीं लिखा जा सकता, बीमाहीन होगी। यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। जो यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस होगी 100% से। उसके बाद जो क्वांटिटी बीमाहीन है, आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा मात्रकहीन ही हो, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा यूनिटलेस ही हो, ऐसी जरूरी नहीं है। हाँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस होती हैं, जैसे विकृति की बीमा नहीं होती, उसका मात्रक भी नहीं होता। साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका बीमा नहीं होता, मात्रक भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती। ये कोण वाले केस में नहीं होंगी, कोण वाले केस में नहीं होंगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस। तो अगर डायमेंशन फार्मूला लिखते समय गिनती आ गई 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आ गया, तो उसको आपको सीधे सीधे हटा देना, भाई तुम निकलो पहली फुर्सत में, निकल, तो उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद वो हट जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, जब गिनती वाले अक्षर हट गए, तो गिनती वाले के हटने के बाद जो हमारी संख्या बचेगी उसको आपको उससे डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज कि देखना है कि अगर संख्या बीमाहीन है तो मात्रकहीन हो सकती है, अब हमेशा हो ये तो नहीं जरूरी, और अगर मात्रकहीन है तो बीमाहीन होगी, ओके। तो ये 2-3 चीजें दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना है, ओके। आज ये अब देखते हैं इस पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया कि अगर ऐसे गिनती वाले अक्षर मिलते हैं तो उनको आपको छोड़ देना है, पहले हटा देना है कि निकल पहली फुर्सत में। तो यहाँ पे 1/4π, ध्यान दो, 1/4π, 1/4π इतनी सी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, मतलब एक गिनती उनती वाला अक्षर है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इनको छोड़ दो, तो बचेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स Q1 Q2 बटे FR2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज का क्या होता है, AT, क्या होता है, AT, ये डायमेंशन फार्मूला। Q2 भी चार्ज है तो उसका भी क्या होगा, AT, अपान F है फोर्स, उसका MLT^-2, ये हो गया। R है डिस्टेंस, इसको L से दिखाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ओके। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, इसको सरल करोगे तो ऊपर मिलेगा A²T² और नीचे मिलेगा MLQ^-2। इसको ऊपर ले करके जाओ तो ये हो जाएगा M^-1, L^-3, T को ऊपर ले जाएंगे, देखते देखो T ऊपर जाएगा तो T² हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और T² पहले से था तो T^4 हो जाएगा, A^2 हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका बीमी सूत्र, एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक M^-1, L^-3, T^4, A^2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया,
ओके, ऐसे हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। क्लियर हो गया? गुड। तो इस तरीके से इसका निकालना है। देखो ये थोड़ा सा अच्छी लेवल का है चीज। अब आ जाते हैं, अरे कहाँ आ जाते हैं, आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं, देखते हैं क्या चीज देखना है सर जी। निर्वात की चुंबक संहिता, इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, म्यू नॉट से। किसे दिखाते हैं, म्यू नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे लिख लेते हैं निर्वात। अच्छा, निर्वात की चुंबकशीलता से पहले चुंबकीय क्षेत्र का भी सूत्र देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, बी से। ओके, यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला दिखाते हैं। एक फार्मूला आपको क्लास टेंथ में बताया गया होगा, पढ़े होंगे, लॉरेंज फोर्स का, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। फार्मूला याद आया? हाँ सर, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार पार्टिकल हुआ चल रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ हाँ याद आया, याद आया, वही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा ये होता है। अरे यहाँ पे देखो, जो साइन थीटा है, साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मात्रक ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मात्रक मीटर, कर्ण का मीटर, मीटर वर्स मीटर वर्ग मर गया, तो कोई बीमा सूत्र लिख पाएंगे नहीं, बीमी सूत्र नहीं लिख पाएंगे, तो डायमेंशनलेस हो गया। और जो भैया डायमेंशनलेस होता है उसको हम निकालते हैं, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है भी हट जाएगा, इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखना है। एफ बराबर क्यू वी बी, तो यहाँ से बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी का बीमी सूत्र लिखो, क्यू और वी को भाग में कर दो, एफ बटे क्यू वी। ओके, तो B बराबर फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू, और फिर Q का ए टी वेग का एल टी की पावर माइनस वन। इतना कितनी गंदी राइटिंग है सर आपकी, कोई बात नहीं, अच्छी हो जाएगी। अब सरल कर लेते हैं, देखो एल से इटे एल मर गया, गुड, ऊपर ले जाओ इसको M, देखो T की पावर माइनस टू, T की पावर माइनस वन, ए से कैंसिल होगा, T की पावर माइनस वन बचेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर टी की पावर माइनस वन और हो जाएगा, तो एम टी की पावर माइनस टू, इस ए को ऊपर ले जाएंगे ए की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। ओके, कितना मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, एम टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला एम टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला पता है कि B का बीमी सूत्र M, L तो होता ही नहीं, T की पावर माइनस टू A की पावर माइनस वन, ऐसे। अच्छा मान लो इसी चीज, ये मान लो जो चीज नहीं होता उसको भी लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो आपसे कहा गया आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फाइव, इसको न्यू से भी दिखाते हैं, एन से भी दिखाते हैं, इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड, मतलब एक बटे सेकंड, और इसका बीमी सूत्र लिखेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना, एक बटे सेकंड को टी से दिखाना, इसको ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर माइनस वन, ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसमें देखो एम एल ये सब तो है नहीं, अब इसमें आपको सब कुछ लिखना है, एमओ लिखो, एल भी लिखो, टी भी लिखो, ए भी लिखो, सब लिखो, कैसे लिखो, तो जो चीज नहीं होता उसकी घात जीरो लिख करके हम लोग लिख देते हैं। जैसे एम नहीं है तो लिख देंगे एम की घात जीरो, भाई किसी भी संख्या की घात जीरो उसका मान एक होता है, हम ये नहीं कर रहे, एक होता है ये एम, एम कर एल की घात जीरो, टी तो है ये है तो टी की पावर माइनस वन कर दो, ए लिखना है ए की घात जीरो कर दो, जो जो टर्म लिखना है और वो संख्या डायमेंशन फार्मूला में नहीं मिल रही है तो उसकी घात जीरो लिख करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब तीन चीज में लिखना है, एम एल और टी के टर्म में, एम बी का जीरो, एल बी का जीरो, टी पर माइनस वन, आता गई समझ में। और ये नहीं लिखते, खाली यही चीज ये लिखते तब भी सही, ये लिखते तब भी सही, दोनों तरीका इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, इस तरीके से इसको लिखना है सारे काम। अब आ जाते हैं कहाँ, चुंबकशीलता पे, निर्वात की चुंबकशीलता, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखो, निर्वात की चुंबकशीलता का बीमी सूत्र लिखना है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता जिसको हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
इसका बीमी सूत्र लिखने के लिए आपको याद होगा फार्मूला हम कहाँ से खोजेंगे, फार्मूला अगर कहीं पे म्यू नॉट बराबर मिले तो ना हम बीमी सूत्र लिखेंगे। किसी का बीमी सूत्र लिखना पहले उसका फार्मूला खोजना पड़ेगा, ऐसे कहाँ खोजे जहाँ पे म्यू नॉट बराबर हमको मिल जाए, म्यू नॉट आता हो तो हम निकाल पाएंगे। तो सोचो ऐसे सोचते, एक आपको याद होगा क्लास टेन में पढ़े थे बायो सेवर्ट्स ला नहीं याद आया कोई बात, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। हाँ सर ये तो याद है थोड़ा बहुत, वही वाला मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक अनंत लंबाई का तार है, इस तार में आई धारा बह रही है, इस तार से आर डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट है पी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई बटे आर है। हाँ इतने होता है, अच्छा ओके तो ऐसे निकाल देंगे। ये तो देखो फार्मूला मिल गया, इसे म्यू नॉट आ गया ना, बस म्यू नॉट का ही फाइंड करना है। टू पाई तो डायमेंशन लेस है, इसको पहली फुर्सत में निकल। क्या क्या बचा, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे आर, आर का इधर म्यू नॉट बराबर निकालो, म्यू नॉट बराबर बी इंटू आर बटे कितना आई, म्यू नॉट बराबर बी, बी का बीमी सूत्र अभी हमने देखा एम पी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन इंटू आर, लेंथ है टेल से पूरा, बटे आई को किसे दिखाएंगे ए से। ओके सरल करो, कितना होगा एम एम एल टी की पावर माइनस टू, ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस टू, ये होगा इसका बीमी सूत्र। ओके तो बीमी सूत्र कितना होगा निर्वात की चुंबकशीलता का, एम एल स्क्वायर एम एल टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन, इस तरीके से निकालना है। इस पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बेटे बड़ा खूबसूरत सा बेवकूफ आपको बनाया जाता है, बड़ा खूब अच्छा सा बेवकूफ क्या बनाया जाता है, वो आपकी माइंड टेस्ट किया जाता है कि बताओ इसका बीमी सूत्र क्या होगा। देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, नीट का क्वेश्चन है, अच्छा सा सवाल है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, क्या दिया गया था, हमसे कहा गया वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताओ, फाइंड द डायमेंशन, इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है m की पावर 0 l स्क्वायर t की पावर माइनस टू, दूसरा दे दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है m की पावर 0 l t की पावर माइनस टू, तीसरा दे दिया गया है m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर माइनस वन, चौथा दे दिया गया है m की पावर 0 l t की पावर माइनस वन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया इनमें से कौन सा डायमेंशन फार्मूला वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बहुत म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। देखो म्यू नॉट एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, वो रिलेशन ये है और वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल्स अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको याद रख लेंगे c बराबर वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये तो बराबर c के होता है, अब तो आसान हो गया, और हमके इसी का तो पूछा गया इसके बराबर c है, c क्या है स्पीड, स्पीड मतलब इलास्टिक, स्पीड मतलब चाल, चाल है तो चाल का बीमी सूत्र कितना होता है एल टी की पावर माइनस वन, कितना होता है अगर एल टी की पावर माइनस वन स्पीड होती, इसमें यम भी लेके आना है तो यम नहीं है तो यम की घात जीरो एल टी की पावर माइनस वन, बस कौन सा विकल्प हुआ सही होगा, पहला का दूसरा का चौथा सही, चौथा सही, चौथा सही, चौथा सा चौथा ऐसे ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला इस तरीके से लिखना है, जो तरीका हमने बताया इसी तरीके से आपको बीमी सूत्र लिखते चले जाना है। अब बीमी सूत्र आपके बुक्स में दिए गए हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको लिखिए, एक एक क्वांटिटी को समझते हुए लिखते रहिए, आपको बीमी सूत्र लिखना आना भी चाहिए। तो ये चीजें थी, अब
जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं बीमी सूत्र और बीमा से संबंधित, अब वो हमारे दिमाग में कितना बैठा है इसको हम एक बार छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट के लिए हम लोग के पास है बूस्टर डोज। हमारी टीम के द्वारा एक पैटर्न चलाया जा रहा है, आपके जो भी थ्योरी चलेगी उसके तुरंत बाद आप कितना पढ़ पाए, कितना सीखे या नहीं आए तो उसको बूस्ट करने के लिए कुछ ट्यूशन के माध्यम से आपके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बूस्टर डोज। तो वो बूस्टर डोज वन उस एक्सरसाइज को लेते हैं। हर लाइव क्लास में थ्योरी के बीच और लास्ट वाले सेशन में, या तो बीच में या लास्ट में, किसी में एक में आपको कितना सीखा करके मिलेगा या बूस्टर डोज करके मिलेगा, या केवल बीच में मिलेगा या केवल लास्ट में मिलेगा, कहीं पर मिल सकता बट मिलेगा जरूर। ये अभी जैसे आज की क्लास यहीं पे थ्योरी वाली खत्म हो रही है, लेकिन इसके जस्ट बाद लाइव क्लास चलती रहेगी। अभी कम से कम 20 मिनट का आपका बूस्टर डोज चलेगा, इसमें आप ट्यूशंस के आंसर देंगे। और कैसे आंसर देना, रफ की कापी कलम लेकर के बैठे रहना है, जैसे ही आपको पता चले हाँ ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद तुरंत आंसर खट से, आप विकल्प जो उसके आंसर के जैसे दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा, इसको कमेंट में करते रहो और देखो हम कितना सही बता रहे हैं, बता ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बूस्टर डोज या कितना सीखा वाला, तो हर हाल में बिना उसके ये चीज इनकम्प्लीट रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कितना पढ़ पाए, ठीक है। तो उसको आपको करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही। अब अपना सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ फ्यूचर में बूस्टर डोज वाले से, उसके बाद फिर मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना जब जान गए हैं, किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जान गए हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हम लोग थोड़ा अपना माइंड टेस्ट लेते हैं, कितना अभी तक हम लोग टॉपिक को समझ पाए हैं। उस पर हम लोग आगे चलते हैं और लेते हैं बूस्टर डोज 01। तो इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज करते हैं, आज ये लेते हैं बूस्टर डोज 01। और ये क्या है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आज ये लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर वन में कहा है द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम आर, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका डायमेंशन क्या होता है। देखो बच्चों, डायमेंशन फार्मूला किसी का भी फाइंड आउट करना हो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद है तो कोई भी डायमेंशन आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला पूछा गया, तो मैग्नेटिक मोमेंटम को हम लोग यम से दिखाते हैं, इसका फार्मूला था यम बराबर आई इंटू टी, फिर आई इज इक्वल्स इलेक्ट्रिक करंट एंड ए इज एरिया। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स करंट का डायमेंशन फार्मूला ए और एरिया का एल की पावर टू। तो दिस इज पहले एल वाले को लिख दो, एल की पावर टू, फिर ए की पावर वन, इतना डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एल स्क्वायर ए की पावर वन। पहला गलत है, दूसरा सही है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। इनमें से जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें पेयर में दिए गए हैं दो दो फिजिकल क्वांटिटीज के, तो कहा गया कि कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम नहीं है। लेट अस चेक, फर्स्ट वाले का चेक करते हैं, सबसे पहले वर्क का लेते हैं, तो वर्क का चेक करेंगे, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ओके, टार्क का चेक करेंगे बच्चों, टार्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल्स एफ इंटू आर, सो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो फोर्स का एम एल टी की पावर माइनस टू और डिस्टेंस का एल, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो देख रहे हैं कि वर्क का और टार्क का दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूछा कौन सा सेम नहीं है, डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, तो सेम मिलता है। दूसरा देखते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके,
दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से दिखाते हैं, विच इज एम वी आर। अब यहाँ से निकालेंगे तो मास का एम हो जाएगा, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1 हो जाएगा, और रेडियस जो आर दिया गया उसका एल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 इतना हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला बच्चों, क्योंकि हम एनर्जी जानते हैं, एनर्जी बराबर होता है ई बराबर एच न्यू, सो यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो एनर्जी अपान न्यू। अब यहाँ से आप सरल कर लीजिए, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है, और न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी की पावर -1 इतना होता है। इसको ऊपर ले जाओ या इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 ये इतना हो जाएगा। ओके, ये है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। ओके, इसमें तो डायमेंशन सेम हो गए। थर्ड वाले को चेक करते हैं, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन बच्चों एक तरीके का फोर्स होता है, तनाव एक तरीके का बल है, तो टेंशन का डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल टी की पावर -3। ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को भी हम लोग टी से ही दिखाते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए टी डैश मान लेते हैं सरफेस टेंशन है, तो टी डैश इक्वल सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है एफ बाई एल, एफ का फार्मूला एम एल टी की पावर -2, और एल का हो जाएगा एल, तो एल से एल मर जाएगा, कितना मिलेगा एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। सो यहाँ पे देख रहे हैं टेंशन और जो टेंशन सरफेस टेंशन है दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, यहाँ पे एम एल टी की पावर -2, यहाँ एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 है, दोनों के डिफरेंट। हमको यही खोजना था कि किस क्वांटिटीज में, स्क्वायर में ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है, ये वाला आपसे इनको मिलेगा। अब इसमें इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का सेम ही होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इम्पल्स मतलब आवेग, आवेग क्या होता है संवेग परिवर्तन की दर, और लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग। तो डेल्टा पी कहें या पी कहें दोनों का डायमेंशन सेम सेम होता है, तो यहाँ आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो, तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया, तो डिफरेंट कौन सा मिला, टेंशन और सरफेस टेंशन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ए यूनिटलेस क्वांटिटी, एक कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई मात्रक नहीं है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, इसमें लिखा मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसमें ऐसा कोई संख्या हो सकती है जिसका डायमेंशन नॉन जीरो, का मतलब जीरो नहीं, उसमें कुछ न कुछ डायमेंशन होगा, नॉन जीरो का है, मतलब नकारात्मक शब्द टाइप दे दिया गया, आपको थोड़ा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कहा है मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसका कुछ न कुछ डायमेंशन होगा, जीरो नहीं होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यूनिट लेस है तो जो मात्रकहीन है तो विमाहीन भी होगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा ऐसा होता है कि वह एक कोई ना कोई विमा रखती है, इसमें कभी कभी है, इसमें हमेशा है, तो दोनों बातें गलत है। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नॉन जीरो डायमेंशन रखे, मतलब कोई एक डायमेंशन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता, तो यही वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि उसका कोई डायमेंशन नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसका कोई डायमेंशन हो, नॉन जीरो कहा जा रहा है, इस बात पे फोकस करो, जीरो डायमेंशन का मतलब डायमेंशन नहीं है, नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन है, तो ऐसा कहा गया नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसा कभी नहीं होता कि उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन हो, ऐसा होवे नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे मतलब भौतिक राशियों का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये गलत बात है, क्योंकि तो विकृति है, कोण है, ये सब ऐसी क्वांटिटीज है, जैसे जो स्ट्रेन होता है या हमारा एंगल होता है, इन सब में तो ये एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि तो इसके यूनिट तो नहीं होते, फिर भी जैसे स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं है, या हम एंगुलर डिस्पर्स, ये डिस्पर्सिव पावर का ले लें, उसका भी यूनिट नहीं होता, ये सब यूनिटलेस है, बट ये भी एग्जिस्ट करते हैं।
ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या चीज कहा है? क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है बच्चों, क्या चीज कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक कोई विमाहीन राशि है, इसके बारे में कहा गया है मे हैव ए यूनिट, इसका हो सकता है कि कुछ यूनिट हो, नेवर हैज ए यूनिट, इसकी यूनिट कभी हो ही नहीं सकती, ऑलवेज हैज ए यूनिट, हमेशा है कुछ ना कुछ यूनिट होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट तो करता है, ये तो गलत हो गया। ऑलवेज हैज ए यूनिट ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी का हम देखते हैं कि उसमें उसकी यूनिट होवे नहीं करता, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेन है, विकृति, विकृति अस्तित्व में है फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऑलवेज में तो गलत हो जाएगा। मे हैव यूनिट कभी कभी यूनिट होती है, ये सही है, नेवर है मतलब कभी यूनिट नहीं रखती, ये भी बात गलत है कि कभी कभी होती भी है, जैसे एंगल, एंगल को, एंगल का तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन उसकी यूनिट होती है, उसकी यूनिट रेडियन, यहाँ पे देखेंगे मे हैव यूनिट, हाँ तो कभी कभी यूनिट रखती है, इसलिए मे हैव यूनिट सही है, ये वाला जवाब सही होगा, बाकी सब गलत जवाब होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या चीज दिया गया है? द डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी आर, बच्चों इंटेंसिटी जो होती है इसको आप जानते रहिए, इंटेंसिटी इक्वल्स होता है पावर पर यूनिट एरिया, ये है पावर बाई एरिया, पावर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, ये होता है, और एरिया होता है ए, ये इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया आई का, अब डायमेंशन लिखो डब्ल्यू का या वर्ग का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, फिर डिवाइड बाई टी टाइम है, इसको कैपिटल टी से दिखाओ, एरिया का एल की पावर 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम, एल तो बचा नहीं, तो एल की पावर 0, टी ऊपर जाएगा तो एक और माइनस में हो जाएगा -3, तो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -3, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला वाला सही, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या चीज कहा है? छठे वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज कही गई है। इसमें कही गई है सरफेस टेंशन हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, सरफेस टेंशन की वही बीमा है जो इनमें से किसकी है, मतलब हमको खोजना है कि किसकी डाय किसका डायमेंशन फार्मूला सरफेस टेंशन की डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होता है, तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला देखें, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है टी इक्वल्स एफ बाई एल, सो टी का फार्मूला होता है डायमेंशन फार्मूला एम एल टी की पावर -2, एंड एल का होता है एल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये मिलेगा एम की पावर 1, एल तो कुछ मिला नहीं, तो एल की पावर 0, टी की पावर -2, या हम इसको सिंपली एम टी की पावर -2 बोल सकते हैं। ओके, तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला होता है, अब इसमें से किसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर है, तो हम यहां से शुरू करते हैं, देखो एफ बाई एल, इसकी यूनिट अगर देखेंगे सरफेस टेंशन का, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों? विस्कासिटी की भी नहीं होती, इम्पल्स की भी यूनिट इतनी नहीं होती, मोमेंटम की भी यूनिट इतनी नहीं होती, स्प्रिंग कांस्टेंट की देखें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट में फार्मूला आता है एफ इक्वल्स के एक्स, तो यहाँ से के इक्वल निकालेंगे तो एफ बाई एक्स, ये जो के है इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, सो के इक्वल्स एफ बाई एक्स, एफ की यूनिट न्यूटन, एक्स की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, यूनिट सेम है, जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला सेम मिलेगा, तो किसकी डायमेंशन फार्मूला के बराबर सेम डायमेंशन फार्मूला होगा सरफेस टेंशन का? स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन फोर्स एक्स इक्वल्स अंडर रूट डेंसिटी इज गिवन बाय, एक कोई इक्वेशन दिया गया है, इसमें कहा गया फोर्स इक्वल्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट डेंसिटी, डेंसिटी को आप डी मान लो, इतना है,
आपको यक्स की डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो यक्स इक्वल्स निकालेंगे तो फोर्स इंटू अंडर रूट डी। अब यक्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन MLT की पावर -2, और डेंसिटी का होता है ML की पावर -3 और इसकी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ओके, सो एक्स इक्वल्स MLT की पावर -2, अंदर घात का गुणा करेंगे तो M की पावर 1/2 इंटू एल की पावर -3/2। अब ऐड कर लो, M की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 है, तो M की पावर 3/2 इंटू एल, एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर -3/2 है, ऐड कर देंगे तो एल की पावर -1/2 इंटू टी बचा है, टी की पावर -2। सो एक्स का डायमेंशन फार्मूला कितना मिला, एम की पावर 3/2, एल की पावर -1/2, टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर थर्ड बी वाला सही जवाब होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया, द डायमेंशन ऑफ 1/1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चों दिस इज इक्वल सी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है सी इक्वल्स 1/√μ0ε0, जहां पे म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो बस सब नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कठिन तो होंगे ही, बट आपको कोशिश करना, यही तो सीखना है, तो आप कोशिश करिए, फार्मूला याद करिए। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेंगे तब तक आप डायमेंशन नहीं समझ पाओ, और ये सारी चीजें आप क्लास 12th में आपको मिलेंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, बस ध्यान से समझते जाइए क्या चीज बताया जा रहा है। तो √μ0ε0 = c, सी जो होता है ये वेलासिटी है, वेलासिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, तो टाइम का डायमेंशन तो नहीं होता, कैपेसिटेंस का भी नहीं होता, डिस्टेंस का भी नहीं होता, वेलासिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, लिखा है द डायमेंशंस ऑफ द पोटेंशियल आर द सेम एज दैट ऑफ, कि पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है, उसका जो डायमेंशन है किसके बराबर होता है, तो विभव का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का तो होगा नहीं क्योंकि केवल डब्ल्यू नहीं रहता। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज ये भी नहीं होता, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज मतलब E by Q तो होता ही नहीं। वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज का मतलब W/Q, यही वाला ऑप्शन सही, क्योंकि वोल्टेज या पोटेंशियल का फार्मूला W/Q होता है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज को W/Q ही कहते हैं, तो बी का मान होगा, तो डायमेंशन इसका किसके बराबर होगा, W/Q यही है। फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, सब गलत है, खाली आपका नंबर 3 सही। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लेटेंट हीट इज। अब ये तो आपको खुद से करना चाहिए, तो आप खुद से वीडियो को पास करो, तुरंत ही कमेंट में इसका खुद से सॉल्व करके इसका आंसर बताओ जल्दी से। लेटेंट हीट का फार्मूला क्यू इक्वल्स एम इंटू एल होता है, वेयर एल इज इक्वल्स नोन एज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट का सिंबल है एल, यहां से निकालो क्यू जो है थर्मल एनर्जी या हीट की क्वांटिटी है, एम जो है मास है, तो यहां से निकालेंगे तो एल इक्वल्स क्यू बाई एम। अब चूंकि हीट एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई मास को एम से दिखाते हैं, एम से एम मर गया, सो एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर -2, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज कहा है, इफ वी इक्वल्स √γp/ρ देन डायमेंशंस ऑफ गामा, ये गामा लिखा गया है आर, इसमें से गामा का डायमेंशन क्या होगा। सो यहां से अगर देखेंगे तो वी का फार्मूला है √γp/ρ, सो गामा की वैल्यू निकालो, स्क्वायर कर डी इधर करो स्क्वायर होगा, तो V² = γp/ρ, सो रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, V² √γ(T), सो γ = V² √ρ/P, तो γ = V वेलोसिटी है
इसका डायमेंशन एल टी की पावर -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, और रो डेंसिटी है, डेंसिटी का एम एल की पावर -3 होता है, डिवाइड बाई पी, पी प्रेशर है, प्रेशर का फोर्स अपान एरिया, फोर्स का एम एल टी की पावर -2, और अपान एरिया करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एल की पावर। देखते हैं क्या क्या चीजें कटती हैं, एल स्क्वायर से ये कटेगा तो एल की पावर -1 बचेगा, एल की पावर -1 से ये स्क्वायर कट जाएगा बचेगा एल, एल से ये एल कट गया, पीएम से एम कट गया, टी की पावर -3 से टी की पावर -1, सब कुछ कट गया। तो गामा की वैल्यू कितनी मिली, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, मतलब सब की पावर 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाना था इसको। आ जाइए चलते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बूस्टर डोज फर्स्ट का देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ के इन द इक्वेशन डब्ल्यू इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज, तो आपको थ्योरी क्लास में अभी अभी हमने समझाया है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है 1/2 पाई, ऐसे कोई भी अगर अक्षर दे जाते हो उस पर डायमेंशन फार्मूला डिपेंड नहीं करता, तो उसको पहले हम अपनी कैलकुलेशन से हटा देते हैं, इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और इसको रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, इसको हमने हटा दिया तो डब्ल्यू इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से हमको के की डायमेंशन फाइंड करना, के इक्वल्स डब्ल्यू बाई एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू इज वर्क, सो वर्क का या एनर्जी का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स जो है लेंथ बाय स्क्वायर एल की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके, अब आइए चलते हैं वापस अपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट पे, देखते हैं थ्योरी में आगे क्या बताया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग एकदम लास्ट सेशन इस वीडियो का करेंगे, जिसका नाम है कितना सीखा।